मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन न करने पाए। यदि कोई माफिया किसी गरीब की जमीन कब्जा करता है या उसको प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इसके अलावा यदि कोई फरियादी अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर जाता है तो उसकी बात गंभीरतापूर्वक सुना जाए और न्याय संगत कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा, सड़कों पर लगे बैरियर पर निशान लगाया जाए। यदि कोई वाहन हाईवे पर खड़ा रहता है तो उसको खड़ा करने के लिए अलग से पार्किंग बनाया जाए, जिससे कोई भी वाहन सड़कों पर न खड़ा हो, क्योंकि अक्सर ठंड में सड़कों पर वाहन खड़ा होने से गाड़ियां टकरा जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है। हाईवे पर लगे होर्डिंग पर डायल 112 व 108 102 नंबर को अंकित किया जाए। उन्होंने कहा, सभी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाए, क्योंकि अभी मौत की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ऐसे स्थान पर साइन लगाया जाए जिससे लोग जागरूक हो सकें। यह कार्य सभी लोग करवा लें जिससे दुर्घटना में कमी लाया जा सके। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, आरटीओ अनिता सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? जीरो ट्रैफिक कर जी दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं कर एक दो तीन तो सर एक से जाएगा पूरा मेला दिखा देंगे। पहले तो बाहर गए तरीके शुरू करें इसमें पहले मैं अलग से होगा अगर उस दिन तो भाई वीक का मतलब एक सप्ताह तो उनका सर ये जो हम लोग एक्सीडेंट्स की संख्या जनवरी से लेके आंकड़े तो इसके आधार पर जो है इसकी एक्सीडेंट्स की संख्या को आप है और गृह विभाग है इन दोनों को मिलकर के जिससे हम लोग वो बना सकें शेष लोग कोऑर्डिनेशन के लिए अपने अपने स्तर पर कोई अवेयरनेस के साथ जुड़ेगा कोई ब्लैक स्पॉट को ठीक करना पार्ट परिवहन विभाग का इसमें है लीड उसी को करना है गृह विभाग उसमें सपोर्ट करेगा पुलिस उसमें सपोर्ट करेगी उसमें आपके स्तर पर क्या हो सकता है इन चीजों में उसमें लगभग हम सर पिछले साल से पैसा से शुरू करते हैं इस साल 115 करोड़ लागू कर रहे हैं ज्यादा से 84 करोड़ नहीं कर कंटिन्यू प्रोसेस है परंतु ये मामला उसमें गैप है तो दूसरे नंबर पे सर जो ट्रैफिक कामिंग केसेस में तीन चीजें करते हैं एक रम्मा स्ट्रीट को जाते हैं रिपीटेड बार जाते हैं तो ये भी कंटिन्यूस प्रोग्रेस है पर और आइडेंटिफाई कर लेंगे और बेहतर सर लास्ट में रहता है गति सीमा संकेतक चिन्हों का और जो ट्रैफिक अन्य है तो स्पीड लिमिट्स के तो ट्रैफिक के बाकी साइन है इसका तो और इसमें मैक्सिमम जो है गलत रोड इंजीनियरिंग और ब्लैक स्पॉट के नाते हो उसके लिए अलग से पार्किंग स्पेस दीजिए ना जी सर हाईवे पे कैसे खड़ा कर सकते हैं वो लेबा ही बनाने का सर साइड में उसको अलग से तैयार करवाइए ना उसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए हां वही सर और पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे चिंता का विषय है ये ओवर स्पीडिंग हम मान सकते हैं लेकिन इसमें रोड इंजीनियरिंग और ब्लैक स्पॉट को जो है अब तक जो सुधार होना चाहिए देखिए पिछले 6 वर्ष से लगातार मैं इस बैठक को ले रहा हूँ और एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और इस पे हमें ध्यान देना होगा कि अगर ब्लैक स्पॉट चिन्हित हो रहा है तो हम उसके तत्काल वहां पर व्यवस्था करें साइनेजेस लगाएं
लोगों को अलर्ट उसमें रखें। बहुत सारी जगह होते हैं ना, पहले लिखा जाता था कि अंधा मोड़ है, लोग सावधान हो जाते थे, या वहां पर कोई हॉस्पिटल है, कोई मार्केट आ रहा है, तो पहले उस प्रकार के साइनेजेस लगा दिए जाते थे। अब आप चले जाइए कहीं से भी, दिल्ली से आकर के आप बलिया तक चले जाइए, कहीं भी आपको जो है रोड पर ये नहीं देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि हम लोगों ने उसको एकदम नजरअंदाज कर लिया है, जबकि प्राथमिकता होनी चाहिए थी बताने के लिए भी कोई उस प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक सभी के लिए, आपके लिए भी है, स्टेट हाईवे के लिए भी है, अन्य हमारे जितने भी एक्सप्रेस हाईवे हैं, इन सब पे भी लागू, हर जगह हर रोड पर हर सड़क पे लागू होना चाहिए। वह नहीं है, और ये 40% एक्सीडेंट नेशनल हाईवे की है।